उनको स्तन भी ढकने का अधिकार नहीं था, उनको टैक्स देना पड़ा। आज कहीं जाके हम लोग इज्जत, उनकी कुर्बानी की वजह से आज हमको कपड़ा पहनने का अधिकार मिल रहा है और हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। तो अपने स्तन भर के अपने सम्मान से, मान सम्मान से और इज्जत से अगर चल रहे हैं तो वो उनकी देन है। चूड़ा दीजिए, आगमन धान दीजिए, केला दीजिए, चूड़ी लहठी दीजिए, कपड़ा दीजिए, हमको भी दीजिए, पंडिताइन को भी दीजिए, हमको भी 6 महीने का खुरपी ना खेलना पड़े, पंडिताइन को भी घर में मेहनत ना करना पड़े। बनल बना लग के यहाँ से कमाई लेके जाएगा, घर बैठ के पकाएगी और वो खाएगा और फिर आपको कहूंगा पंडित आके आप लोग को अंधविश्वास में झोंकेगा। कोई सरस्वती का साक्ष नहीं है, कई बार स्कूल खोली है, कई बार शिक्षा दी है, कई बार यूनिवर्सिटी खोली है, कहीं उसका कोई साक्ष नहीं है। लेकिन हमको क्या बताया जाता है कि सरस्वती हमको ज्ञान देती है। ब्राह्मण को देख के हमारी माताएं चप्पल उठा के चलती थी, खटिया पर से उठ जाती थी, उसके सामने खड़ा नहीं होती थी, चाहे पुरुष भी। लेकिन क्या आज आप जो कुर्सी पर बैठ रहे हैं, क्या ब्राह्मण आपको अधिकार दिया है? नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार दिया। जिस दिन इस पखंडवादियों को दान देना, सम्मान देना और मतदान देना बंद कर देंगे, उस दिन आप लोग आजाद हो जाएंगे। 7 जन्म तक हमको ऐसे कभी मिलना चाहिए, चाहे वो दारूबाज हो, नशेखोर हो, लतखोर हो, चाहे वो हमको जितना भी मारता हो, पिटता हो, 7 जन्म तक ऐसे हमको पति चाहिए। जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं और जो अपने जीवन की समाज के लिए अपनी कुर्बानी दी है, क्या ऐसे समाज तुम ब्राह्मण वादियों में पैदा किया है? तीन बात ही मैं बताऊंगी, एक अंधविश्वास, दूसरा शिक्षा और तीसरा अधिकार। इस तीन ही चीज पर हमारा जीवन चलता है और ये तीन चीज जो हमारे जीवन में है वो सबसे ज्यादा खतरनाक जो है वो अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास के अखंड में हमारे सारे महापुरुष, हमारे समाज के महापुरुष को या हम लोगों के समाज के लोगों को, यह उनके द्वारा, ब्राह्मणवादियों द्वारा ये कहा जाता है कि आप लोगों में मैरिट डेवलप नहीं हो सकता क्योंकि आप लोग उस लायक नहीं हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ उन पखंडवादियों से जो आज हमारे समाज के जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं और जो अपने जीवन की समाज के लिए अपनी कुर्बानी दी है, क्या ऐसे समाज तुम ब्राह्मणवादियों में पैदा किया है? मैं इस चीज से पूछना चाहती हूँ उस पखंडवादियों से, इन लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी देकर आज हम लोगों को ये मान सम्मान और अधिकार से बैठने के लायक बनाए, ना कि हमको किसी पखंडवादी और उसके महापुरुष ने दिया है। हम लोग दान दक्षिणा, आप लोग एक चीज जान जाएंगे, जिस दिन इस पखंडवादियों को दान देना, सम्मान देना और मतदान देना बंद कर देंगे, उस दिन आप लोग आजाद हो जाएंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान में दीजिए। आज हमको क्यों इतना मेहनत करना पड़ रहा है, हमारे समाज को क्यों इतना समझाना पड़ रहा है, जागरूक करना पड़ रहा है? क्योंकि पूर्व में हमारे समाज के सारे महापुरुष हम लोगों को समाज के लिए बहुत मुशक्कत और बहुत मुश्किल से हम लोगों के लिए मेहनत किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज में ईमानदारी की कमी है, जिसकी वजह से हम लोग आज दिग्भ्रमित हैं। ईमानदारी जिस दिन हमारे समाज में आ जाएगी, अगर मूल निवासी का विचारधारा नहीं होता तो ये रीना रागनी आज जिला परिषद बन के आपके सामने खड़ी नहीं होती। ऑल इंडिया में महिलाओं अपने बच्चों अपने समाज के अधिकार के लिए घूम घूम के लड़ी नहीं होती, क्योंकि हमारे पुरखे ने हमारे अंदर ईमानदारी का बीज बोया है। हमने उनको पढ़ा है, हमने उनको सुना है, हमने समझा है। आज पेपर में पढ़े होंगे कि इस वैशाली में, वैशाली दुबे कृति अम्रपाली नाम की जो महिलाएं थी, उनके बाद में 23 मार्च 1973 में ये वैशाली गणराज्य लिच्छवी के नाम से ये स्थापित हुआ था, उन्हीं का अभी समारोह चल रहा है, सभी लोग हमारे उसमें लगे हुए हैं। हम लोगों का सौभाग्य की बात है कि तथागत बुद्ध की धरती पर हम लोगों ने जन्म लिया और उस समय में ही 2000 साल पहले भी उन्होंने यही काम किया जो आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब और ज्योतिबा फुले ने हम लोगों के लिए किया। आप लोगों को पता होगा कि
बहुजन हिताए बहुजन सुखाए आतानु कम पाए लोकानु सुखाए आदि कल्याण बंध कल्याण अंत कल्याण। इसी शब्द से पूरा विश्व विश्व गुरु हो गया, विश्वास है। क्यों? क्योंकि बुद्ध की जो विचारधारा थी ये समाज के जागरूक करने का था। हमारे बुद्ध की विचारधारा को ये पाखंडवादियों ने, क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता कि हमारा अधिकार क्या है। हमारे हमारे समाज की महिलाएं परंपरा को ढोती है, वो कहती है कि हमारे पूर्वज से जो चलते आ रहा है हम उसको नहीं निकाल सकते, हम उसको पूजेंगे ही, उसको भगवान मानेंगे ही। ब्राह्मण द्वारा अगर पिंड दान होता है और भोज होता है, उसका श्राद्ध कार्यक्रम होता है, तो एक तो उसके घर का कमाने वाला मर जाता है, या जवान मर जाता है, या बूढ़ा मर जाता है, ऊपर से उसकी आर्थिक तंगी हो जाती है, और उसको समाज में ऐसी अंधविश्वास फैला दिया गया है, उसको मजबूर किया जाता है, भोज किया जाता है, और उसको आर्थिक तंगी से सालों साल जूझना पड़ता है, उसके बच्चे की एजुकेशन की पढ़ाई खत्म हो जाती है, या कहीं फी नहीं जमा हो पाता है। तो ये सब बहुत सारी हमारे साथ विडम्बनाएं हैं। तो इस चीज को हम लोगों को कहीं ना कहीं समझना चाहिए। हमारी माताएं महिलाएं अभी जिस उम्र में आ चुकी है, जो इससे पहले की माता थी उसने बहुत संघर्ष किया है। उन लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि पूर्वज को अगर ढोते हैं तो ब्राह्मण को देख के हमारी माताएं चप्पल उठा के चलती थी, खटिया पर से उठ जाती थी, उसके सामने खड़ा नहीं होती थी, चाहे पुरुष भी। लेकिन क्या आज आप जो कुर्सी पर बैठ रहे हैं, क्या ब्राह्मण आपको अधिकार दिया है? नहीं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार दिया है। इसके इस अधिकार को आप समझिए। अगर आपके अंदर यह शिक्षा नहीं होती तो आप कहीं अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आईपीएस नहीं बना पाते। इसलिए हमारी महिलाओं को भी इस चीज से उतना ही लड़ना होगा जितना हमारे समाज के महापुरुष, हमारे बुद्धिजीवी पुरुष लड़ रहे हैं, उतना ही हमारे समाज के पढ़ी लिखी महिलाओं को भी लड़ना होगा, हमारी बच्चियों के लिए लड़ना होगा। आए भी हमारे बच्चियों के ऊपर अभद्र होता है, बहुत सारी गलतियां होती है, बहुत क्या मैं बताऊं, आए दिन उसको जला दिया जाता है, रेप होता है, मुझे तो बोलने में भी खराब लगता है, शर्म आती है। लेकिन हम लोग इस चीज को नहीं जानते हैं कि उसकी बेटी के साथ हुआ, हमारी बेटी के साथ नहीं हुआ, कहीं हम लोग सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम लोगों को अपनी बच्चियों को सुरक्षित करने के लिए हमारी अपनी अधिकार है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जितना अधिकार इन पुरुषों को संविधान में दिए हैं, उतना ही अधिकार हमारे बच्चियों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए भी। आपको पता होगा कि संसद में जब 33% बिल पास हो रही थी तो ये लोग ने रोक दिया। क्यों? क्योंकि जब शरद यादव जी इस पर ऑब्जेक्शन लगाए, लालू जी इस पर ऑब्जेक्शन लगाए कि नहीं, इस 33% आरक्षण में संविधान सभा में विधानसभा में जाने के लिए हमारी समाज की भी महिलाएं, उसके लिए भी आरक्षण SC OBC की महिलाएं को होनी चाहिए, आज तक वो बिल पारित नहीं हो रहा है, आज तक वो रोके हुआ है। इसके लिए उसकी महिलाएं सांसद तक लड़ी, लेकिन हमारी समाज की महिलाएं या बच्चियों या हमारी बेटियों को इसकी जानकारी तक भी नहीं है। अरे हम सब क्षेत्र में जा सकते हैं, हम नौकरी कर सकते हैं, हम समाज के साथ जी सकते हैं, हम अपने पुरुष को साथ दे सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं। अभी सर एक बता रहे थे इससे पहले कि नांगली नाम की जो तमिलनाडु की हमारी महापुरुष थी, हमारी महिलाएं हमारे समाज की थी, उनको अस्तन भी ढकने का अधिकार नहीं था, उनको टैक्स देना पड़ा। आज कहीं जाके हम लोग इज्जत, उनकी कुर्बानी की वजह से आज हमको कपड़ा पहनने का अधिकार मिल रहा है और हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, तो अपने अस्तन भर के अपने सम्मान से, मान सम्मान से और इज्जत से अगर चल रहे हैं तो वो उनकी देन है। उस चीज को हमको नहीं भूलना चाहिए। कोई हमारी ब्राह्मण महिला नहीं दी है, वो अपनी महापुरुष को ढोती है, वो उसकी महापुरुष इसी व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, आपको अंधविश्वास करने के लिए आपको चूड़ा दीजिए, आगमन धान दीजिए, केला दीजिए, चूड़ी लहठी दीजिए, कपड़ा दीजिए, हमको भी दीजिए, पंडिताइन को भी दीजिए, हमको भी 6 महीना खुरपी ना खेलना पड़े, पंडिताइन को भी घर में मेहनत ना करना पड़े, बनल बना लग के यहाँ से कमाई लेके जाएगा, घर बैठ के पकाएगी और वो खाएगा, और फिर आपको कहूंगा पंडित आके आप लोग को अंधविश्वास में झोंकेगा। इसलिए आप लोगों को इस चीज से बचना चाहिए। वो अपने बेटा को पढ़ाती है विदेश में, अमेरिका में, लंदन में वो पढ़ता है, कितना बड़ा देश IAS बनता है, IPS बनता है, राजनेता बनता है, हमारे
बच्चे लाइन लगा के चपरासी के नौकरी के लिए भी भटकता है, चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती है हमारे बच्चे को, इसका गुनहगार कौन है? हमारे महापुरुष ने हमको दिया, हम आज सम्मान से जी रहे हैं। हम लोगों के पर नालत है कि अगर हम अपने बच्चे पैदा किए हैं इसके लिए अगर हम नहीं लड़ सकते हमको डूब मरना चाहिए, नहीं तो अपने समाज के अपने 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 बच्चे को बच्चियों के लिए हमारी कुर्बानी देनी होगी तो हमको लड़ना चाहिए इन महापुरुष के साथ में, इन हमारे समाज के पुरुषों के साथ में जो हमारे महापुरुष सिखा के गए हैं उनकी विचारधारा को लेकर हमको रण में लड़ना चाहिए। मुझे बहुत अफसोस हो रही है कि हम आज हम पढ़े लिखे हैं तब जाके आज हम आपके सामने खड़े हैं। हमारे सामने हमको माओवादी घोषित कर दिया लोगों ने, क्योंकि ये अपने समाज की महिला को मुझे कोई डर नहीं है। तुम कितने में मेरे पास कोई केस है, कोई अगर तुम्हारे पास रिकॉर्ड है कि हम माओवादी हैं तो हमको निकाल के चैलेंज करो, हमको कोर्ट में पेश करो या जेल में खेलो, कोई गम नहीं है। अगर तुम्हारे पास प्रूफ है, तुम बाप का औलाद है तो हमारे खिलाफ तुम एक सब निकाल के दिखाओ। लेकिन हम इस चीज को चैलेंज करते हैं कि मर जाएंगे जिंदा रहेंगे जब तक अपने समाज के महिला को बच्चियों को बच्चे को नौजवान को अधिकार दिलाने के लिए हम रन पर लड़ते 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 रहेंगे, शरीर का एक एक कतरा हम बहा देंगे लेकिन अपने महापुरुष की विचारधारा को लड़ नहीं करेंगे। आप लोगों को इस चीज के लिए लड़ना होगा, समझना होगा। ललन सिंह पेरियार साहब, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, आज आप पढ़े लिखे हैं, कोई सरस्वती माता मिटा ना, वो आपको शिक्षा नहीं दिया है। वो सावित्रीबाई फूले, हमने पुणे में गया है, फूले राणा देखा है, उनके घर देखे हैं, उनके स्कूल देखा है, उनकी यूनिवर्सिटी देखी है, उनके समाज में जो उन्होंने शिक्षा का अभियान चलाया है वो साक्ष है, उनकी साक्षात है। कोई सरस्वती का साक्ष नहीं है, कई बार स्कूल खोली है, कई बार शिक्षा दी है, कई बार यूनिवर्सिटी खोली है, कहीं उसका कोई साक्ष नहीं है। लेकिन हमको क्या बताया जाता है कि सरस्वती हमको ज्ञान देती है। हम लोग अपने समाज में लड़के हम लोगों को खड़ा किया है सम्मान के साथ, उसी तरह हम लोगों को भी लड़ना चाहिए अपने समाज के लिए। हम आग्रह करेंगे आप तमाम साथियों से कि हम पुरुष भाई सब से भी ये बात कहेंगे कि अगर बाबा साहब भीमराव बाबा साहब बहुत जल्दी कैसे परिवर्तन कर दिए, ये चीज हम लोगों के अंदर होता है कि बाबा साहब को साहू जी कह रहा है, हस्बैंड है, हम शादीशुदा है, हमारे बच्चे हैं, हमको कहीं कोई चीज का डर नहीं है कि हम तीज नहीं करते हैं, जितिया नहीं करते हैं, अब बड़ सावित्री नहीं करते हैं। अभी महापुरुष भी बताए करती है महिलाएं, आ धागा बांधती है, आ सात जन्म तक कसम खाती है और कहती है कि सातों जन्म तक हमको ऐसे पति मिलना चाहिए, चाहे वो दारूबाज हो, नशेखोर हो, लतखोर हो, चाहे वो हमको जितना भी मारता हो पिटता हो, सात जन्म तक ऐसे हमको पति चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने आपके साथ एक अधिकार दिए हैं कि नहीं, आपको जब कोई अपमानित करता है तो आप उसको डिवोर्स देके आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, कोई लतखोर पति की जरूरत नहीं। इसलिए हम ये नहीं कहते हैं कि आप लोग लड़िए आपस में, ये अंधविश्वास जो है इसको खत्म कीजिए, ये सब करने से कुछ नहीं होता है। आप अगर गर्भवती महिला है, अगर भर दिन सही हुई है तो उसके घर में जानते हैं उसके घर में सब व्यवस्था है। आप हम या हमारे समाज के आप तो हम दो रोटी दाल रोटी खा लेते हैं सुख से, तो चलो कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे अभी भी हमारे समाज में जो महिलाएं हैं माताएं हैं उनके घर में आज भी साग सब्जी खाने के लिए कुछ उस तरीके का प्रोटीन नहीं मिलता है जो एक गर्भवती महिला को चाहिए, समझ रहे हैं। अगर आप एक दिन सह जाइएगा, आठ दिन आपको प्रोटीन खाना पड़ेगा तब जाके आपके पेट का जो बच्चा है वो सुरक्षित होगा, नहीं मिलेगा वो प्रोटीन तो विकलांग होगा, आँख से काला होगा, कभी कान टेढ़ा होगा, विकलांग होगा, गोद टेढ़ा होगा। और ये क्या होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। लोग क्या सोचता है, ग्रहण लग लेगा, लाठी से ना नाप दिल गए से ग्रहण पेरुआ हो गए, टेढ़ा हो गए, ऐसे हो गए, वैसे हो गए, लेकिन इसकी जानकारी नहीं है। और वो एक दिन फास्टिंग क्यों करती है, ठूस ठूस के खाती है, पनीर खाती है, फल खाती है, दूध खाती है, खाना उसको प्रोटीन का मिलता है, दाल खाती है, सब्जी खाती है। एक दिन उसको डॉक्टर कहता है कि इसके चर्बी बहुत चढ़ गया है और इसके ऊपर खून बहुत बढ़ गया है, वो ग्लोबिन बढ़ा हुआ है और उसको कोलेस्ट्रॉल पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए फास्टिंग करो एक दिन। हमारी माताएं को पता नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल पॉजिटिव कैसे होता, इनको तो खाने का उपाय ही नहीं है, तो उसको तो डॉक्टर ही मना करता है कि आप एक दिन आएगा।
वो लोग परंपरा को ढो के आपको देती है कि हमारे उसके बाप दादा यही सिखाता है कि अगर तुम ऐसा नहीं सिखाएगी उन लोगों को और नीच महिलाओं को, जो अछूत महिला है या ओबीसी की महिला है या जो शूद्र महिला है, उसको अगर ये चीज नहीं सिखाएगी तो वो हमारा जो विरासत में बाप दादा दिया है निकम्मा बन के खाने का, उसको कौन करके देगा? वो अपने खेत में खुरपी नहीं छेद सकता है तो आपके आपका आपके लिए क्या कर सकता है? लेकिन आप हम हमारे समाज की महिलाएं या पुरुष उसके घर तक अनाज पानी सब चीज पहुंचाते हैं और वो सुख से खाता है। इसलिए इस चीज से हम आप सतर्क हो जाइए और सतर्क होके ये चीज की जानकारी रखिए, अपने अधिकार की जानकारी रखिए और लड़िए, बच्चियों को पढ़ाइए। जहाँ भी ऐसा विचारधारा कार्यक्रम हो वहाँ जरूर जाइए, अपने जाइए, बेटी को लेकर जाइए। हम भी ऐसे, हम तक खिचड़ी बना के आए हैं तो बाहर के लोग कहता है खिचड़ी नहीं खाता, हमारा बच्चा कहे खिचड़ी खाओ, कहीं रहते हैं मकइयों के आटा कहते हैं घोर के खा लो, तो हम आते हैं फिर भी समाज का काम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हम अपने दर्द को जानते हैं, अपने महापुरुष के दर्द को जानते हैं, हम अपने समाज के दर्द को जानते हैं, वर्तमान को जानते हैं, भविष्य को जानते हैं, जो फ्यूचर में होने वाला है वो सब जानते हैं। इसलिए हमको ये दर्द है, इसलिए हम आप लोगों के सामने आते हैं। इसलिए मैं, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार।